दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की हालत लगातार गंभीर होती चली जा रही है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। हवा में पीएम 2.5 का स्तर 425 तक पहुंच चुका है। काबू है, कोशिशें की जा रही है, लेकिन कोशिशें नाकाम, और ऐसे में दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। पराली पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही है। रोकने की अपील की गई थी, उसका दूसरा विकल्प तलाशने की अपील की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस पैमाने पर पराली को जलाया जा रहा है हरियाणा और पंजाब में, उससे असर सीधा दिल्ली एनसीआर पर पड़ रहा है। तो खतरनाक स्मॉग की चादर दिल्ली में लिपटी हुई है और कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 600 के पार पहुंच चुका है। यानी कि 600 के पार पहुंचना एक डेंजर का साइन यहां पर है कि बेहद ही गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। तो हवा में पीएम 2.5 का जो स्तर है वो 425 को पार कर चुका है और दिल्ली एनसीआर में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग बाहर निकलने को मजबूर हैं और इस जहर को अपने अंदर लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो बुजुर्गों को खासी दिक्कतें, दमे की शिकायत यहां पर हो रही है, आंखों में जलन यहां पर शिकायत हो रही है, और उसी को देखते हुए बच्चों को भी पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने से रोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है, तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब की सरकार पर निशाना साध दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि खट्टर और कैप्टन सरकारें अपने किसानों को पराली जलाने पर मजबूर कर रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भारी प्रदूषण है। वहीं कल पंजाब और हरियाणा भवन में लोगों ने प्रदर्शन कर वहां की सरकारों के प्रति अपने रोष को प्रकट किया था। आसपास के राज्यों से जो फसलें जलने का धुआं दिल्ली आ रहा है, इसकी वजह से पूरे आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मास्क बंटवा रहे हैं हम लोग बच्चों के थ्रू, दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक एक पैकेट दिया जा रहा है हर बच्चे को, उसमें दो दो मास्क हैं, एक फैमिली को दो मास्क भेज रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कम है क्योंकि 50 लाख टोटल मास्क हम प्रोक्योर कर पाए इस बार, उससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में, उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाए इतनी जल्दी। अगली साल कोशिश करेंगे, अगर भगवान ना करे अगली साल पोल्यूशन हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा प्रोक्योर करेंगे, लेकिन इस बार इतने मास्क हम भेज रहे हैं जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो परिवार में वो मास्क पहन ले। और मंडे से ऑड इवन है, मंडे से सब लोग इसको ऑड इवन को फॉलो करें, हम नहीं चाहते कि किसी पे भी मंडे को फाइन लगाने की जरूरत पड़े।